नमस्कार दोस्तों, गोल्डन बीस चैनल में आपका स्वागत है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आई गिरावट की वजह से भारतीय बाजारों में सोने की कीमतें बढ़ गई है। दोस्तों, गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमतें 43 रुपए तक बढ़ गई है। वहीं इस दौरान चांदी के दामों में 209 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई है। वहीं दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऊपरी स्तर में सोने की कीमतों में आई 1000 रुपए की गिरावट के बाद कई बड़े शहरों में सोने की डिमांड में मामूली इजाफा हुआ है। इसी का असर सोने की कीमतों पर दिखा है। वहीं दोस्तों, सोने की नई कीमतें दिल्ली में 99.9% वाले सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी आई है। वहीं दोस्तों, गुरुवार को सोने का दाम 40,418 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 40,498 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दोस्तों, इस दौरान कीमतें 43 रुपए बढ़ी है। वही इससे पहले बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने का दाम 40,185 रुपए से बढ़कर 40,441 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गए थे। वहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी रही है। सोने की कीमत 1,553 डॉलर प्रति औंस पर रही है। वहीं चांदी भी 17.87 डॉलर प्रति औंस पर रही। वहीं चांदी का नया भाव इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। गुरुवार को 1 किलोग्राम चांदी का दाम 47,197 रुपए से बढ़कर 47,406 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों, इस दौरान चांदी की कीमतों में 209 रुपए की तेजी दर्ज हुई है। इससे पहले बुधवार को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 47,044 रुपए बढ़कर 47,272 रुपए हो गई थी। दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल का कहना है कि मकर संक्रांति के बाद घरेलू बाजारों में सोने की डिमांड बढ़ने की उम्मीद के चलते मार्केट सेंटीमेंट बेहतर हुए है, इसीलिए कीमतों में मामूली तेजी आई है।